जब कोई व्यक्ति क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित होता है तो नियमित कामों को बनाए रखना उसके लिए आसान नहीं होता। अक्सर मरीज मानसिक रूप से दुखी भी हो जाता है, समर्थन या मदद मांगने से भी कतराता है। पैलिएटिव केयर एक ऐसी ही देखभाल है जो गंभीर बीमारियों से लड़ रहे या बीमारी के आखिरी पड़ाव पर मौजूद मरीजों के लिए मददगार है और तनाव से आराम पहुँचाती है। पैलिएटिव केयर पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को चुनौतीपूर्ण समय से गुजरने में मदद करती है। इसके लिए हॉस्पिटल या पैलिएटिव केयर सेंटर मौजूद हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा आध्यात्मिक, मानसिक, मनोसामाजिक और अन्य सेशंस चलाए जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ पेशेंट को एक्टिव और पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करती है। पैलिएटिव केयर घर पर भी मुमकिन होती है। पैलिएटिव केयर के पार्ट कौन कौन से डॉक्टर्स होते हैं? इनमें साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट, पैलिएटिव केयर नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ शामिल है। ओपीडी में मरीज की बीमारी की प्रोफाइल, पेनफुल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साथ ही सोशल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जांच की जाती है। टीम्स के दूसरे लोगों को काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन में शामिल करने की ज़रूरत का मूल्यांकन भी किया जाता है। जैसे ही मरीज इंडोर पैलिएटिव केयर के साथ तालमेल बिठा लेता है, वैसे ही मरीज और परिवार के परामर्श से डिस्चार्ज की योजना बनाई जाती है। इसके बाद टीम के मेंबर्स ये तय करते हैं कि पैलिएटिव केयर घर, ओपीडी, डे केयर सेंटर या वार्डों में कहाँ दी जा सकती है। परिवार के सदस्यों या देखभाल करने वालों की मरीज की दवा, ऑक्सीजन, कैथेटर आदि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर पर पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं और साथ ही इनको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इस तरीके से पैलिएटिव केयर की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।